पंजाबी लस्सी वाला। तो फ्रेंड्स आज हम इनके ट्राई कर रहे हैं ये लंबा समोसा, ये पंजाबी लंबा समोसा है। आप देख सकते हैं कितना लंबा है। चलिए इसे हम ट्राई करते हैं, आइए। और फ्रेंड्स इसके साथ इन्होंने हमें हरी चटनी और लाल चटनी दोनों ही दी है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास जो है रबड़ी आ चुकी है, तो रबड़ी हम चेक कर लेते हैं किस टाइप की है। थोड़ी थोड़ी भीड़ हो जाएगी, ठीक है, बड़ी मुश्किल से सीट मिली है। खा लेते हैं, देखिए सबसे पहले तो समोसे, उसके बाद हमने ली लस्सी, और लस्सी के बाद जो है अब है रबड़ी की बारी। तो रबड़ी भी काफ़ी अच्छी है, तो आप हमारे तरफ से यहाँ से समोसे खा सकते हैं, रबड़ी और लस्सी भी ले सकते। काला जाम तो इनका ज़बरदस्त है। स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल रुड़की के यूट्यूबर के साथ। तो आज हम फिर से पहुंचे हैं हरिद्वार, और आज हमारा जो है हरिद्वार का जो मुख्य विषय है उसमें हम आज जो है आपको हरिद्वार के जो मेन जो फूड है, जो कि आपको स्ट्रीट फूड के यहां पे मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम काफ़ी बार आपको हरिद्वार में जो है दर्शन करवा चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बड़ी मूर्ति जो है भगवान भोलेनाथ की, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारी गंगा मैया, इनकी मूर्ति भी है। तो हम आज जो है हरिद्वार में यहाँ का फूड एक्सप्लोर करेंगे, और साथ ही जो है हमारे साथ जो है तीखा जायका की जो हमारी पत्नी है मधु, ये भी साथ में है। तो ये हमारे को फूड का रिव्यू करके दिखाएंगी कि यहाँ पे आप आकर कौन सा फूड जो कि स्ट्रीट फूड है वो आप जो है ट्राई कर सकते हैं, और साथ हम आपको गंगा मैया के दर्शन भी करवाएंगे अपने इस नए व्लॉग में। क्योंकि हम अभी पहुंचे हैं बसंत का मौसम, फरवरी का लगभग आज 11 तारीख हो चुके हैं, और साथ ही साथ जो है अभी जो है महाशिवरात्रि की तैयारी चल रही है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी लोग बाहर से आ रखे हैं, और कांवड़ का जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है एक माहौल बन रखा है, काफ़ी सारी भीड़ हो रखी है। तो चलिए आपको ट्रैवल करवाते और हरिद्वार का जो है आपको लोकल फूड आपको टेस्ट करवाते, साथ ही साथ यहाँ पर जो तैयारी चल रही है कांवड़ की वो भी दिखाते हैं। तो चलिए लेट्स गो। फॉर सामने देख सकते हैं कांवड़ की सारी तैयारियां हैं, कांवड़ काफ़ी लोग लेकर जा रहे हैं। देखिए यहां पे कुछ तैयारी हो रही है, तो लोग जो है अपनी कांवड़ भी तैयार करके लेकर जा रहे हैं। ये देखिए कितनी सारी कांवड़ यहां पे है, ये देखिए। तो कांवड़ की तैयारी देखिए, सारे के सारे अपने कांवड़ ले रहे हैं सामने मंदिर से, और यहाँ पे कांवड़ में लगाने के लिए अलग अलग से फूल भी खूब सारे यहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए सारे कांवड़ का सामान है। देखिए काफ़ी के झंडे हैं, मालाएं हैं, ये देखिए कितनी सारी कांवड़ यहाँ पे उपस्थित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारी कांवड़ जो है यहाँ पे रखी गई है। तो कांवड़ जो है अभी भी यहाँ से शिवरात्रि के लिए जो है भक्त दर्शन लेके जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्त दर्शन जो है यहाँ पे स्नान करते हुए, और कुछ इस टाइप का माहौल है सामने। ये देखिए खूब सारी कांवड़ें यहाँ पे रखी हुई है, देखिए कुछ इस टाइप की है, कुछ इस टाइप की है, और यहाँ पे जो है गंगा जल भी ये लेके जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप की यहाँ पर कांवड़ है, और यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे कांवड़े रखी गई है, ये देखिए। और यहाँ से जो है कांवड़ ये लेकर अपने अपने स्थानों को लेकर जाएंगे। सामने देख सकते हैं यहाँ पे खूब सारे जो है यहाँ पे झंडे भी इस बार लेकर आए गए हैं, ये देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पे झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, ये देखिए खूबसूरत खूबसूरत जो है यहाँ पे कांवड़ के जो है ये रखे गए हैं। दोस्तों आपको एक जो है ज़बरदस्ती मुझे कांवड़ दिखाई पड़ी है, उसके भी दर्शन करवा देता हूँ। तो जी देखिए क्या गजब की कांवड़ बनवाई गई है, ये सामने से कुछ ऐसे दिखने में लगी हुई है, काफ़ी बड़ी सी कांवड़ है। तो कुछ इस टाइप का देखिए भक्तजनों का जो है सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। यह देखिए कितना बड़ा झंडा यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि इस तरह से फैल रहा है। ये बजरंग बली आपको कुछ स्थान दिखा देते हैं,
तो यहाँ पे जो है बिल्कुल हर की पैड़ी के पास में ये खूबसूरत से मंदिर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है काफ़ी सारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है पूजा पाठ होती है। सामने जितना भी स्थल है यहाँ पे सारे जो है पंडित यहाँ पे स्नान और साथ ही साथ जो है पूजा पाठ का कार्य करते हैं। तो दोस्तों हम अभी जो है हर की पैड़ी से ऊपर आए, ये सामने आपको द्वार दिखाई पड़ेगा। तो इसके बिल्कुल सामने आपको दिखाई पड़ेगा ये मोहन जी पुरी वाले, तो ये काफ़ी फेमस है। तो यहाँ से हम जो है सबसे पहले हम पूरी और आलू की जो सब्जी होती है वो खाकर देखते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कैसा दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे जो है इसका स्वाद कैसा आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ का जो है आलू पूरी किस टाइप का है। तो चलिए चलते हैं इस वाली दुकान पे, देखते हैं काफ़ी लोग यहाँ से आलू पूरी खा रहे हैं। देखिए किस टाइप की यहाँ पर भीड़ है, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। तो हम भी जो है ट्राई करते हैं कि हमारे मिल जाए। तो कुछ इस प्रकार का आपको सामने दिखाई पड़ेगा, ये आलू पूरी तैयार हो रही है। तो देखिए यहाँ पे रसगुल्ले भी हैं और साथ में और मिठाइयाँ हैं। हमने ये ले ली है मोहन पूरी वालों की, ये आलू पूरी की सब्जी और ये पूरी, और ये जो हमें पड़ी है एक प्लेट ये हमें 100 रुपीज की पड़ी है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका हम रिव्यू, देखते हैं इसका कैसा टेस्ट है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारी आलू और छोले की सब्जी है, इसमें हमें 4 पूरियाँ मिली हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसमें आप बताती हूँ कि इसका टेस्ट करके कि इसका कैसा स्वाद है। तो आइए चले हम देखते हैं, इसे हम टेस्ट करके बताते हैं आपको कि कैसे रहेगा इसका स्वाद। तो चलिए फ्रेंड्स ये मैंने इसको टेस्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी दिखने में अच्छी तो लग रही है, लेकिन ये काफ़ी स्पाइसी भी है और काफ़ी मतलब तीखी है। तो फ्रेंड जिन लोगों को तीखा खाना पसंद होता है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी है और स्वाद में भी उनके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जो तीखा खाना पसंद नहीं करते उसके लिए थोड़ा नेगेटिव है। और इस यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये काफ़ी कॉस्टली भी है और यहाँ पे खड़े होने की मतलब बैठने की कोई अरेंजमेंट नहीं है और ना ही कोई पानी की यहाँ पे कोई सुविधा है। तो यहाँ पे आपको जब भी आप यहाँ पे आएँ तो आपको थोड़ा सा इसमें अनकम्फर्टेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको खड़े होकर खाना पड़ेगा और पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। हम जो है पटियाला लस्सी पे आ गए, यहाँ पे मिलता है एक जो है बाहुबली समोसा, ये सबसे लंबा समोसा कुतुब मीनार समोसा भी कह सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए सामने बहुत बड़े बड़े समोसे मिल रहे हैं, लगभग 30 रुपीज़ का एक है। और अभी हम लेकर जो है आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कैसा समोसा है। ये आपको हरिद्वार में गौ घाट में पटियाला लस्सी पे मिलेगा आपको ये समोसा। तो आपको जो है हरिद्वार में जहाँ से हम वहाँ मोहनपुरी वाले के सामने से आए थे वहाँ से आपको उल्टे हाथ पे सीधा अंदर गली पे आना है, गौ घाट पे आपको आना है। तो वहाँ पे आपको ये वाले समोसे जो यहाँ पे अभी ताज़े बन रहे हैं और साथ में तैयार भी हो रहे हैं, ये देखिए तैयार भी हो रहे हैं। तो ये समोसे हैं, तो ये हम अभी लेते हैं और ये देखिए बन भी रहे समोसे और सामने ये देखिए तैयार भी हो रहे समोसे ये लंबे वाले। तो सामने आपको देख सकते हैं ये दुकान का नाम है मशहूर पंजाबी लस्सी वाले रेस्टोरेंट, 60 साल से पुरानी दुकान है इनकी। तो सामने भैया देखिए ये सामने कचौरी और रसगुल्ले और खूब सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो चलिए समोसा लेते हैं और देखते हैं कि कैसा इनका टेस्ट है। हरिद्वार के पंजाबी लस्सी वाले के यहाँ की काफ़ी मशहूर है पंजाबी लस्सी वाला, और आज हम इनके ट्राई कर रहे हैं ये लंबा समोसा। ये पंजाबी लंबा समोसा है और आप देख सकते हैं कितना लंबा है। चलिए इसे हम ट्राई करते हैं, आइए। और फ्रेंड्स इसके साथ इन्होंने हमें हरी चटनी और लाल चटनी दोनों ही दी है। तो दोस्तों ये देखिए है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये पंजाबी लस्सी वाले जो है इनके यहाँ ये जो लंबे वाले समोसे हैं ये काफी अच्छे हैं और ताजे आपको बिल्कुल उसी वक्त आपके सामने बनाकर मिलेंगे। सामने आपको लाल चटनी और हरी चटनी फ्रेश मिलती है, सामने आपको कचौरी और उसके साथ आलू की सब्जी मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो मिठाइयाँ हैं जिसमें
आपकी रबड़ी है, काला जाम है और लस्सी है। लस्सी काफ़ी स्पेशल है, मलाई मार के ये मिलती है और साथ ही साथ यहाँ की रबड़ी और काला जाम बहुत ही अच्छा है। एवरेज इनके प्राइजेस है जो कि हमें अच्छा लगा। यहाँ का जो ये स्पेशल फूड है, लोकल फूड, ये काफ़ी अच्छा है। भैया ये लस्सी क्या रेट है? ये मलाईदार लस्सी है, 50 रुपए की लस्सी, स्पेशल लस्सी होती है। काला जाम? काला जाम 30 रुपए का एक पीस। अच्छा, और ये जो कहते हैं रबड़ी है, मलाई लस्सी 50 रुपए की रबड़ी है। ये हमने लिया है गुलाब जाम, यहाँ का फेमस है, उसे ट्राई करिए। काफी गर्म है फ्रेंड्स, और मुझे फूक के खाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्म है, आप देख सकते हैं। इसमें काफी बड़ा है, काफी बड़ा भी है। ये पता देखिए दोस्तों, हमारे पास भी अजीब है, काला जाम काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है। देखने में जो है यहाँ पे आएंगे तो आप देख कर ही बोलेंगे काफी है बड़ा। तो इसे चेक कर लेते हैं कैसे टाइप का है। पत्ता, आपको ये गौ हाट में मिल जाएगा, पटियाले लस्सी के नाम से जो फेमस दुकान है। हाँ जी, पंजाबी लस्सी, पंजाबी लस्सी के नाम से है। चार बजे अब हमने गंगा जल भी ले लिया है, तो अब गंगा जल ले चुके हैं, तो अभी हमारा समय आ चुका है कि हम चलें हरिद्वार से अपने घर की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने घर की तरफ। तो आपसे मेरी यही आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप हमारे चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाली वीडियो के लिए घंटे वाली बेल पर जो है क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो आपको कैसा हमारा ये वीडियो लगा तो ज़रूर आप जो है अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि हम कहाँ पे और कितना जो है डिजर्व करते हैं इस वीडियो को बनाने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।